माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, तो एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि स्टेट काउंसलिंग की चूंकि मेरिट लिस्ट आ रही है सब जगह, अभी हरियाणा की मेरिट लिस्ट आई है और हरियाणा के भी मेरिट लिस्ट में काफी नीचे गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब मान के चलो कि हर एक स्टेट में जो है वो इस साल जो है कट ऑफ लो जाने वाला है, तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन वाले हैं उनको निश्चित तौर पर इसका एडवांटेज गवर्नमेंट सीट के लिए मिलने जा रहा है। तो होप सो आप लोग को ये चीज बता दूं कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर जो है वो 617 नंबर पे क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में, लेकिन इस बार जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें 608 नंबर पे, मतलब 9 नंबर का सीधा सीधा डिफरेंस आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप बीसीए कैटेगरी की बात करते हैं तो बीसीए कैटेगरी लास्ट ईयर 578 पे गया था, इस बार 577 पे है, यहां भी एक नंबर का गिरावट दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो है वो 610 था और इस बार 600, मतलब सीधा सीधा 10 नंबर का बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अगर बीसीबी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर 604 था, इस बार 597 है, मतलब 7 नंबर का ग्रोथ, यहां भी 7 नंबर का गिरावट दिख रहा है। एससी कैटेगरी लास्ट ईयर 520 था, इस बार 502 है, मतलब इस बार 18 नंबर का बड़ा मार्जिन आपको दिख रहा है। और एससी में अगर आप डिप्राइव्ड की बात करें तो लास्ट ईयर 439 था, इस बार 438 है, मतलब लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में हर एक कैटेगरी का कटअप जो है वो निश्चित तौर पे नीचे गिरा है। अब ऐसे कंडीशन में आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि सेकेंड राउंड और मोपअप में जाते जाते और भी कटअप नीचे गिरेगा, इसका मतलब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक था, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मार्क्स था, उससे कम से कम हरियाणा में भी कम से कम मान के चलिए कि 10 नंबर का मार्जिन इस बार नीचे आने जा रहा है। मतलब अगर आप 590 तक भी जनरल 592-94 तक भी अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो मान के चलिएगा कि आपको लास्ट राउंड आते आते निश्चित तौर पे कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, इसमें कोई शक नहीं है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपको लास्ट राउंड आते आते 590 प्लस में आपको कॉलेज आसानी से हरियाणा में मिलने जा रहा है। एससी कैटेगरी चूंकि अगर देखोगे तो इस साल एससी कैटेगरी में जहां तक मुझे लग रहा है कि 485 प्लस पे आपको हरियाणा में कॉलेज मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोग के लिए है, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बना दूं, क्योंकि हर एक स्टेट का कटअप अब आना शुरू हो गया। अब ऐसी स्थिति में आपका यूपी हो, बिहार हो, जो बड़े स्टेट राजस्थान हो जहां पे कटअप बहुत ज्यादा होता है, वहां भी कटअप नीचे आने की अब संभावना हो गई है, तो एक गुड न्यूज है। और मान के चलिए अगर स्टेट में कटअप नीचे जा रहा है तो ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड और मॉपअप का कटअप जो है वो निश्चित तौर पर गिरेगा। तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, समय का इंतजार कीजिएगा, निश्चित तौर पर एमबीबीएस कॉलेज आपका इंतजार कर रही है और आपको एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा। आज लोग बोल भी रहे थे, बहुत सारे कमेंट आए कि सर आजकल लाइव नहीं आ रहे हो, एक्चुअली इस टाइम पेरेंट्स से सीधी बातचीत चल रही है, सभी को गाइड चल रहे हैं कि आपको फ्री एग्जिट करना है, आगे क्या करना है, इसलिए दिन भर उसमें व्यस्त रहता हूं पेरेंट्स के साथ, इस वजह से आप लोग के साथ लाइव सेशन नहीं आ पाता हूं, लेकिन मैं आपको वीडियो बनाकर देता रहूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए, सारे अपडेट देता रहूंगा।